नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। दुद्दी में शॉर्ट सर्किट से डुमरडीहा फीडर का एनकमर जला, तकरीबन 2 बजे तक मौके पर डटे रहे अधिकारी। तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुमरडीहा फीडर में गुरुवार की सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से एनकमर जल गया, जिससे दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। एसडीओ तीर्थराज जेई संदीप कुमार सहकर्मियों के साथ डुमरडीहा फीडर पहुंच गए। डुमरडीहा विद्युत फीडर में आई समस्या का समाधान नहीं होता देख एसडीओ ने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। बीती देर रात्रि तकरीबन 11 बजे विद्युत विभाग के एससी आशुतोष श्रीवास्तव, एक्सईएन शुभेंदु शाह सहित कई अधिकारी डुमरडीहा फीडर पहुंच गए। इनकमर को दोबारा बनवाने में लग गए। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात्रि तकरीबन 1:30 बजे इनकमर को सही करा दिया गया। इनकमर के सही होने के बाद डुमरडीहा फीडर की विद्युत आपूर्ति पूर्व भांति बहाल कर दी गई। वहीं विद्युत विभाग के एसी आशुतोष श्रीवास्तव से वार्ता के दौरान बताया कि सुबह शॉर्ट सर्किट में सप्लाई के मेन पार्ट इनकमर जल गया था। सही कराकर देर रात्रि करीब 2 बजे विद्युत आपूर्ति फिर से बहाल कर दी गई है। इस दौरान विद्युत विभाग के कई अधिकारी देर रात्रि तक डटे रहे और मरम्मत कार्य में लगे रहे। सूत्रों की माने तो डुमरडीहा फीडर के संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से यह समस्या उत्पन्न हुई, जिसका दंश समस्त विद्युत कर्मियों को झेलना पड़ा और यह समस्या सरकार के द्वारा तमाम तरह की सुविधाओं के बाद भी संबंधितों की धूल मूल नीति के कारण यह समस्या उत्पन्न हो गई। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। जी साहब, ये दुद्धी डुमरडीहा सब स्टेशन पर आप लोग आए हुए हैं, काफी लोग हैं इतनी रात को, क्या मामला है? यहाँ सुबह एक हमारा डुमरडीहा फीडर है, वो ब्रेकडाउन में हो गया था, फ्लैशिंग हो गई थी, तो उसको हम लोगों ने ठीक किया और दूसरे फीडर पे जोड़ने को प्रयास किया। दूसरे फीडर पे जब जोड़े और फिर ऑन किए तो शाम के 7 बजे फिर से ब्रेकडाउन में हो गया, तो उसकी इनकमिंग में फ्लैशिंग हुई, तो अभी उसको हम लोगों ने ठीक करके उसमें सीटी का खराबी निकली, उसको निकाल के ठीक किया और अब बिजली सामान्य हो गई है। चूंकि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो हैं, उपभोक्ता जो हैं, उनकी हमेशा कंप्लेन होती है कि यहाँ पे जर्जर व्यवस्था, हमेशा समस्या आती है, क्या कारण है? नहीं, व्यवस्थाएं जर्जर नहीं है, व्यवस्थाएं तो ठीक हैं, अगर जर्जर होती तो फिर हम लोग इस वक्त नहीं होते यहाँ पे, व्यवस्थाएं अच्छी हैं। बस इस सब स्टेशन की एक अलग टाइप की दिक्कत है कि यहाँ पे अर्थिंग का कुछ इशू है। जब सब स्टेशन बना होगा उस वक्त जो अर्थिंग की गई, वो अभी हम पानी डलवाते हैं तब वो काम करती है और लगातार पानी पड़ता है इसमें, लेकिन ये पथरीली जमीन होने के कारण उसको प्रॉपर अर्थ नहीं हो रहा है। इसके लिए या तो हमको फिर से अर्थिंग करानी होगी पूरा कहीं बाहर ले जाके, या फिर इसका कोई ट्रीटमेंट और अलग से करना पड़ेगा, केमिकल अर्थिंग या पाइप अर्थिंग, इस टाइप से कुछ अलग चीज को इसमें सोचना पड़ेगा, कन्वेंशनल से अलग होगा। चूंकि सुबह की सरकार का फरमान है कि अघोषित विद्युत कटौती ना हो, तो इस तरीके की समस्या अगर आती रहती तो आम जन को इसकी समस्याओं को झेलना पड़ता है सर, तो इसको कैसे निराकरण करेंगे? नहीं, इसको हम लोग तत्परता से दूर कर रहे हैं, जब भी कोई दिक्कत आती है ऐसा शासन की मंशा के अनुरूप ही काम करते हैं और उसमें बिल्कुल भी कोई देरी नहीं होती हमारे स्टाफ से भी। तभी देखिए सारे स्टाफ भी हमेशा आपको मिलेंगे, इस वक्त भी मिल रहे हैं और मैं स्वयं आया हूँ इस चीज के लिए। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।